नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, कोई भी करियर की बात सर्वांगीण विकास के बगैर हो ही नहीं सकती। जी हां, शिक्षा पूरा करने के बाद जब आप अपने करियर के लिए, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आपको महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट्स को ढूंढा जा रहा है। चाहे वो मार्केट की बात हो, चाहे आपके कंपनी की बात हो, वो आप में अंदर देखती है कि वो कौन सा छुपा हुआ आपके अंदर वो हुनर है जिसका उपयोग वो काम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसी के चलते अलग अलग विद्यालय अपनी तरफ से अलग अलग प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ये जो कंपिटिशन्स होती है, जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, वो रखी इसीलिए जाती हैं ताकि आपके हुनर को पॉलिश किया जा सके, उसको और चमकाया जा सके। इसी के चलते नवयुग कन्या महाविद्यालय ने अपने महाविद्यालय में एक वाग्मिता का कार्यक्रम रखा था। वाग्मिता यानी एलिक्यूशन। इस एलिक्यूशन कंपटीशन की खूबसूरती ये थी कि एक डिपार्टमेंट ने, जिसका नाम इलान है, यानी इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ नवयुग, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अंग्रेजी भाषा को, ताकि बच्चे उसको समझ सके, बोलते समय सिर्फ माने ही नहीं उसकी इंटोनेशन, उसकी प्रोनंसिएशन को समझ सके, इसको दर्शाते हुए बच्चों को खुद से अपने अपने स्पीचेस, अपनी अपनी रिसिटेशंस को तैयार करने का मौका दिया। बहुत खूबसूरती के साथ ये कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में करियर काउच की टीम, यानी मैं शुभांकर भट्टाचार्य और मेरे ही साथ को डायरेक्टर शिमुल बासु रॉय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं वाकई तारीफ करता हूँ जब मुझे दिखता है कि जो बच्चे हैं वो पुराने जो समय में कहे जाने वाले या इतिहास को टटोल कर जो महान पुरुषों ने कुछ बातें कही हैं या लिखी हैं, उसको जब वो अपने तरीके से बोलते हैं, उसको अपनी भाषा, अपने वर्णन में समाहित करके उसको सजा के आपके सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा शैली है वो भी बहुत चमक के सामने आती है। आइए इस कार्यक्रम के कुछ छोटे छोटे हिस्से देखते हैं। Now I am going to present a self-written poem which speaks. As today's event is an education competition, let's get to work you. Hearty congratulations on your wonderful performances. I represent Malala Yousafzai, the speech which she gave at the United Nations. Present here. I, Shami Srivastav, along with my friend, yes, Priya Srivastav. Present the talk from Baki with the Jusibu. Sign is a piano. I represent Malala Yousafzai, the speech which she gave at the United Nations. इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, इन्होंने अपनी ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं छोड़ा था जिससे कि बच्चों के प्रोत्साहन में कहीं भी कमी नजर आए। But he has named it as career couch. He said that on sitting on a couch, we informally discuss about the career, student's career, or whoever is trying to see
seek for career options, what option they should have. So I welcome our guest, and I think that our students will be benefited a lot, and we can collaborate with you in your future. इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत मैं तारीफ करूंगा डॉक्टर संगीता कोतवाल की और प्रोफेसर सीमा सरकार की, जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम को बच्चों द्वारा पेश करने की एक बहुत खूबसूरत पहल की। बच्चों ने अपने ही शब्दों में जिस तरीके से एलोकेशन को अलग अलग हिस्से में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टोन में इसको जिस तरीके से रखा, वो काबिले तारीफ था। दिखता था कि इस प्रयास में इंग्लिश डिपार्टमेंट कितने कठोर तरीके से उन्होंने काम किया, कितने लगन के साथ काम किया। Malala Ji is not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voices of right. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I'm just one of them. So here I stand. Here I stand, one girl among many. On 9th October 2012, the Taliban shot me on the left side of my foot. They shot my friends too. They thought that the bullets were silencers. But they failed. And out of that silence came out thousands of voices. I am the same Malala. My hopes are the same, my ambitions are the same, and my dreams are the same. I am not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. वाग्मिता कार्यक्रम के साथ साथ एक पुरस्कार कार्यक्रम भी रखा गया, जहाँ पे कि जो वहाँ के जो छात्राएं हैं, उन्होंने जो साल भर में अपनी अपने क्षेत्रों में जिस हुनर को उन्होंने सामने रखा, उनको भी इसमें पुरस्कृत किया गया। I Shaki Srivastav, along with my friend Yashpriya Srivastav, on the behalf of English Literary Association of Navyo, give a warm welcome to you all. I would like to give a warm welcome to our principal ma'am, respected judges, teachers, and all the lovely audience present here. Today we are having our education and prize distribution ceremony. Now, with a round of applause, please welcome the judges of today's event, Mr. Shubhankar Bhattacharya and Ms. Shivam Pathibor. Mr. Shubhankar Bhattacharya is a renowned media spokesperson. कुमारी शिमुल बासु राय ने इस सेशन में बच्चों का काउंसलिंग करते हुए छात्राओं को बताया कि छात्राओं को किस प्रकार से अपने हुनर को चमकाने के लिए अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बाद फेसबुक को मैंने लर्न किया, इंस्टा, सो देयर आर सो मेनी टिकटॉक। ओके, सो आई थिंक हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, बिकॉज नेगेटिव पाथ में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी, बिकॉज आप लोग उस एज में हो जिसमें कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इट्स ओनली सेल्फ कंट्रोल, बिकॉज ऑफ दैट आप नेगेटिविटी को हटा सकते हो। बिकॉज मैं ऐसी लड़की हूँ जो हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ। सो यू नो, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया वो चीज़ है जिसमें आप कुछ नया सीख रहे हैं। आप एक रियल वर्ल्ड से हट के आप एक रियल वर्ल्ड में जा रहे हो। सो रियल वर्ल्ड डिफरेंट है, रियल वर्ल्ड डिफरेंट है। आपको जज करना है कि आपको किस तरीके से लर्न करना है। प्रिंसिपल प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय द्वारा श्री शुभांकर भट्टाचार्य और शिमुल बासुराय को पहले तो सम्मानित किया गया, उसके बाद उन्होंने बच्चों को एड्रेस करते हुए बताया कि आखिर इस कार्यक्रम के पीछे इलान का, यानी इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ नवयुग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। I welcome on behalf of the college our two guests who are also our judges for today's competition, elocution competition. I congratulate the Department of English
literary club Elan for organizing this Hollywood elocution competition. And I also feel nostalgic while hearing the students. Therefore, I said so long. I promised Seema that I will be staying for such a long time. But it was very entertaining to hear all the students, and I could correlate with them because I, as a student, I also took part in साथ ही साथ प्राइम टीवी ने इसी मौके को अपना एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए बच्चों के सामने एक बहुत खूबसूरत सा ऑफर किया कि बच्चे इस गर्मी की छुट्टियों में अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज के लिए आगे आ सकते हैं और हमारे करियर काउच के द्वारा दिए हुए नंबरों पर संपर्क साधने के पश्चात वो अपने अपने इंटरेस्ट के कोर्सेस को लेकर सर्टिफिकेट कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस ये यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसमें प्राइम टीवी आपको इंटर्नशिप की भी सर्विसेज आपको मुहैया कराएंगी। तो दोस्तों ये था इलान यानी इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ नवयुग द्वारा किया गया एक एलिक्यूशन कंपटीशन, जो कि आपने देखा कितनी खूबसूरती से नवयुग महाविद्यालय ने इसकी पेशकश की और जिस तरीके से बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों डिबेट हो, एलिक्यूशन हो, इन चीज़ों में हिस्सा लेना, इससे और कुछ नहीं होता, जो आपकी जो भाषा शैली होती है, जो आपके अंदर बोलने का जो हुनर होता है वो थोड़ा सा और चमक जाता है, उसमें थोड़ी सी और बढ़त मिलती है आपको। और ये सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाले समय में जब आप पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में आप लोग जाते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलने में आसानी होती है। बहुत जरूरी है दोस्तों कि शिक्षा के साथ साथ जब हम अन्य शिक्षाओं के प्रति भी थोड़ा सजग हो जाते हैं। जिंदगी में कब कौन सी शिक्षा कब काम आ जाए भगवान ही जाने, इसलिए जहां से जो ज्ञान मिलता जाए उसको बटोरते चलिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो देखना ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे नाइट एट 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी। टेक केयर, गुड बाय।